दोस्तों, अगर आप भी एक मेरी तरह सीएससी वैली या फिर एक साइबर कैफे वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसी सर्विस के बारे में बताने वाले हैं जो कि अभी अभी बिहार में लॉन्च ही हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में कुछ लोग जान रहे हैं, कुछ लोग नहीं जान रहे हैं। जो भी हमारे सीएससी वैली भाई हैं या फिर साइबर कैफे वाले भाई हैं, उन लोगों को कुछ को पता है, जिन लोगों को पता है वो लोग इग्नोर कर दे रहे हैं और कुछ को पता ही नहीं है, ठीक है। तो उसी सर्विस के बारे में हम आप लोगों को इस वीडियो में समझाने वाले हैं कि आप उन सर्विस को यूज करके प्रत्येक कस्टमर से 300 से 400 रुपया तक कमाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपको हम ये बता दें कि जो सर्विस आप प्रोवाइड करोगे उससे रिलेटिव आपको बहुत सारे कस्टमर मिल जाएंगे। जैसे भी दोस्तों, आपको पता होगा कि जहां पे आधार सेंटर ओपन होता है, जिसके पास आधार सेंटर होता है, उन लोगों को कितना कमाई होता होगा, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार से ये भी एक सर्विस है, आपको सेम वैसा ही इसमें भी काम है, ठीक है। लेकिन वो एक अलग सर्विस हो जाता है आधार का, और ये एक अलग हो जाता है। ये ओनली फॉर हम बिहार के लिए बता रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में बताते हैं क्या है वो सर्विस, आप लोगों को काम कैसे करना है और अर्निंग कैसे लेना है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो पूरे पंचायत का काम लेने के लिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत आप लोग को दिमाग लगाना होगा। चलिए फिलहाल आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं डिजिटल सेवा पोर्टल पे। यहाँ पे आ जाने के बाद जो आपको सर्च बार में टाइप करना होगा बिहार, बिहार डाल के जैसे आप स्पेस डालोगे और आर आपको केवल लिखना है, तो यहाँ पे आपको ऊपर में आ जाएगा बिहार आरटीपीएस ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस, ठीक है। इस पे आप कर देना है। उसके बाद आप पहुंच जाओगे आरटीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट प्लस के वेबसाइट पे। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि आप सीएससी लॉगिन करके ही आप यहाँ पे आ सकते हो, अदरवाइज आप लोग को पता होगा कि बाहर से भी डायरेक्ट गूगल क्रोम में सर्विस प्लस डालेंगे तो हम इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे आना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाने के बाद जो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, ठीक है। इस पे आपको क्लिक कर देना है ऊपर वाला। जैसे आप क्लिक करोगे नीचे में आपको दिखेगा आरटीपीएस की सेवाएं, इस प्लस पे आप क्लिक करोगे, नीचे में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा राशन कार्ड हेतु आवेदन, ठीक है। सिंपल सा इस पे क्लिक करना, थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना, आपको खुल के प्लानिंग पहले आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप प्लानिंग को समझ लेते हो तो फिर हम जो कह रहे हैं उसको भी आप समझ जाओगे, ठीक है। इसको ओपन होने देते हैं और आपको अब जो है यहाँ पे बताते हैं कि आप लोग को काम क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, काम ये करना है कि जैसे आप लोग को पता होगा कि बिहार में जो राशन कार्ड है लगभग लगभग सभी के पास है, ठीक है। अब राशन कार्ड सभी के पास है तो जितने भी राशन कार्ड है लगभग लगभग 99% जो है राशन कार्ड में प्रॉब्लम है, ठीक है। 1% ही सही है, लेकिन 99% जो राशन कार्ड वो कुछ ना कुछ किसी किसी ना किसी के साथ प्रॉब्लम है। किसी को नाम हटवाना है, किसी को नाम जुड़वाना है, किसी को नया बनवाना है, किसी को आधार अपडेट करवाना है, किसी को सुधार करवाना है, कुछ भी। तो हम आपको बता दें कि ये सर्विस जो है, जितने आपको हम बोले हैं, ये सबका सर्विस जो सारा का सारा सर्विस ऑनलाइन हो चुका है, ठीक है। पहले तो आप लोग पता होगा राशन कार्ड जो वो कि ऑनलाइन ही बनता था, लेकिन अब जो है ऑनलाइन के माध्यम से राशन कार्ड में सब कुछ आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि आप लोग को करना क्या है, ठीक है। जैसे आप लोग को फाइल उठाना है, मतलब कस्टमर का, ठीक है। जैसे कि आपको राशन कार्ड में नाम जोड़ने का और नाम हटाने का, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस जो आपको, इन दोनों के लिए आपको कागज लेना है कस्टमर से। अब देखिए डायरेक्टली अगर आप किसी को वैसे कहोगे तो आपको यकीन नहीं होगा। तो पहले आपको एक दो को मोटिवेट करके आप लोग को, मतलब मोटिवेट कर लेना है और उसी से आपको डॉक्यूमेंट लेना है, ठीक है। ले लेने के बाद जो है पहले आपको एक दो कस्टमर का काम करना है, ठीक है। 100% काम हो जाता है, आपको हम लाइव दिखा रहे हैं। जब आप इन पे आओगे ना, यहाँ पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे पपत्र खो यूजर मैनुअल का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आप क्लिक करोगे। जैसे आप इस पे, तो आपको यहाँ पे एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। इसमें आपको पपत्र ख, यानी कि आपको पता होगा कि जब हम राशन कार्ड बनाते हैं नया तो हम पपत्र क को भरते हैं, और जब सुधार करते हैं तो पपत्र ख को भरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पपत्र ख जो है वो ऑनलाइन के माध्यम से अब आप लोग को भरना है, ठीक है। दिखाते हैं आपको कि कैसे कैसे आप लोग को क्या 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 करना है और फिर लेना है कस्टमर से, वो आप लोग को किस तरीका से लेना है, ताकि कस्टमर आपको पैसा जो वो देने में एक भी इधर उधर ना हो, आपको बेझिझक आपको पैसा दे दे, ठीक है। आप डायरेक्टली आपको 300-400 रुपए कस्टमर से नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन किस दिमाग से लेना है वो आपको हम समझाते हैं। जैसे दोस्तों, इस पीडीएफ को हमने ओपन किया तो यहाँ पे एक यूजर मैनुअल, मतलब मैनुअल तरीका से हमें बताया गया है कि इसमें जो क्या क्या हमें इसका जो प्रोसेस वो कैसे कैसे करना है, ठीक है। इस वीडियो में केवल आपको हम प्लानिंग समझा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप कमेंट करोगे कि इसमें जो हो डायरेक्टली आपको लाइव हमें दिखाइए, राशन कार्ड में नाम हटा करके जुड़वा करके, वो भी आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी इसमें दोस्तों अप्लाई करने, जब भी हम अगर जब भी आप अप्लाई करोगे राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए या फिर हटाने के लिए, तो आपसे डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट किया जाएगा। क्या क्या चीज का? तो जाति, आय, निवास। पहले जो है ये तीन डॉक्यूमेंट आपको कस्टमर का बना देना है, ठीक है। आप जाति, आय, निवास भैया आप किसी का बनाओगे तो
तो फोकट में तो बनाओगे नहीं, ठीक है, कम से कम 100-150 तो लोगे ही उससे। अब आपका एक कमाई ये होगा कि जाति आय निवास अगर आप किसी का अप्लाई करोगे तो आपको एक अलग इनकम हो गया, ठीक है। जाति आय निवास बन जाने के बाद जो है फिर से आपको राशन कार्ड में उसका जो है सुधार के लिए जब आप आवेदन करोगे तो वो फोकट में नहीं करोगे, कम से कम तो 200-300 रुपया नॉर्मल चार्ज इनका वो तो ले ही लोगे। जबकि आप लोग को पता होगा कि यही काम करवाने के लिए ब्लॉक में जाते हैं तो वहां फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन वहां पे 500 से 1000 रुपया तक वो ले लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों 100-200 रुपया नॉर्मल चार्ज है हमारे लोग के लिए, ठीक है, इतना नॉर्मल चार्ज है और कस्टमर भी आराम से मतलब आराम से वो इतना चार्ज दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे देखोगे कि इस प्रकार से जो है पीडीएफ में रजिस्ट्रेशन करने का और राशन कार्ड में कैसे शुद्धिकरण करना, नाम जोड़ना, नाम हटाना है, उनका प्रोसेस इस पीडीएफ में दिया गया है। जब आप यहाँ पे नाम डिलीट कीजिए, साइड में जो डिलीट का बटन दिख रहा होगा, चलिए आपको दिखाते हैं अच्छा से, ये वाला जो है ये रेड कलर में इस साइड में डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ से जो है नाम को आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और इसे साइड में जो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आप देख रहे होंगे, एडिट पे क्लिक करके किसी भी मेंबर का नाम जो है या फिर डेट ऑफ बर्थ जो है कुछ भी अगर एडिट करना है हमें तो एडिट हम कर सकते हैं एडिट पे, यहाँ पे हम क्लिक करके, ठीक है। नया मेंबर को अगर हमें इसमें ऐड करना है तो यहाँ पे हम ऐड मेंबर पे क्लिक करके किसी नया सदस्य को जोड़ेंगे, ठीक है। तो मान लिया जाए, देखिए जातीय निवास जो बनता है वो बनता है मुखिया के नाम से, मतलब जिसके नाम से राशन कार्ड है ना उसके नाम से आपको जातीय निवास बनाना है। अगर किसी का नाम हटाना है तब, या फिर जोड़ना भी है तो उनका हमें जातीय निवास मुखिया के नाम से बनाना होगा, ठीक है, जो कि साफ साफ लिखा हुआ है। चलिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड में जो है क्या क्या लग रहा है वो भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं ताकि आप लोग अच्छा से समझ पाइएगा। जैसे में कि आप देखोगे यहाँ पे स्कैन कॉपी आधार कार्ड सेल्फ अटेस्टेड मांगा जा रहा है, मतलब जितने भी मेंबर है राशन कार्ड में उनका जो सबका आधार कार्ड सेल्फ अटेस्ट सबका सिग्नेचर करवा करके स्कैन करके अपलोड करना है। और उसके बाद यहाँ पे स्कैन ऑफ फर्स्ट कॉपी बैंक मतलब बैंक अकाउंट आपको पासबुक यहाँ पे मांगा जा रहा है। और यहाँ पे जो है आपको एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। और देखिए यहाँ पे आपका निवास प्रमाण पत्र हो गया और यहाँ पे आय प्रमाण पत्र हो गया, बट जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको शो नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन तो यहाँ पे दोस्तों अभी जो है वो कि आप लोग को यहाँ दो डॉक्यूमेंट ही मांगा जाएगा, लेकिन आप लोग कस्टमर का जो वो तीनों का तीनों बना देना है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी जब आप नाम ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे पूछ लिया जाएगा मतलब जाति प्रमाण पत्र के बारे में, तो आप लोग को देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग को बना देना है तीनों ही बनाना, जाति या निवास तीनों ही कस्टमर का बनाना है, तो वो आप लोग का एक अलग इनकम हो जाता है। और जब आप इसके लिए अप्लाई करोगे राशन कार्ड में शुद्धिकरण के लिए तो वो आप लोग का एक अलग इनकम हो जाता है। तो दोनों मिला करके अगर जोड़ो तो आप लोगों को 300 से 400 रुपये आप लोगों को कमाई हो जाता है एक कस्टमर पे। अब आप समझिए कि कस्टमर मिलेगा कैसे, सिंपल सा क्या करना, आप लोगों को पंचायत में अगर आप रह रहे गाँव में तो आप लोग को पता होगा आपके अपने नियरेस्ट में जो भी डीलर होगा उसके बारे में पता होगा, ठीक है। तो सिंपल से भाई आप डीलर से ही कांटेक्ट कर लो, ठीक है, जो भी राशन बांटते हैं ना डायरेक्ट आप उनसे कांटेक्ट करो, उसके पास पूरा गांव का ही डाटा रहता है। तो आप लोग को सिंपल सा जो कि डीलर से ही बात करना है, उससे बात करके एक दो कस्टमर का पेपर लेकर के उसका काम कर दोगे, ठीक है। एक दो का ही करना है, पूरा नहीं लेना आप लोग को, एक दो का जो काम कर दोगे उसका काम सफलतापूर्वक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ही आपको आदमी खोजने लगेगा, भैया मेरा भी कर दो, मेरा भी कर दो, ठीक है। तो ये तो दोस्तों ये एक सर्विस जो है जबरदस्त सर्विस आप लोग को हम बताए हैं जिसमें आप काम करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब बात बाकी देखिए आपकी इच्छा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम उस पे आपको हेल्प कर देंगे कि इसमें कैसा मतलब आप लोगों को कैसे कैसे काम करना है, ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन लाइव करके आपको हम बता देंगे, ठीक है। बात बाकी आपकी इच्छा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा जानकारी जो कि आज के वीडियो में आप लोग के साथ शेयर किया है, आशा करते हैं दोस्तों ये जानकारी आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो थोड़ा सा आप लोग को मजेदार लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्त मिलते हैं कैसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।